नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। शिवपुरी जिले में कलेक्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आदेश जारी किए गए थे कि कोई भी व्यक्ति बिना कार्य के अपने घर से बाहर नहीं निकले और घर पर ही सुरक्षित रहे। पर नरवर में दुकानदारों द्वारा शासन की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा था, जो कि नरवर के नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए खतरे की घंटी को न्योता देता नजर आ रहा था। तो वहीं आज नरवर की प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार किरण सिंह नरवर, टीआई मनीष शर्मा, नगर पंचायत सीएमओ संतोष सैनी द्वारा सुबह 9 बजे पुलिस अमले को लेकर नरवर मार्केट में जो दुकानदार शासन की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे उन पर प्रभारी कार्यवाही की और 9 दुकानों को सील कर दिया गया। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया कि जो भी लॉकडाउन शासन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा उन लोगों पर ऐसे ही आगे चालानी व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, जो आज नरवर की जनता की सुरक्षा के देखते हुए आज आपने कार्रवाई चालानी कार्रवाई की है, सर इसलिए किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई है? ये छोटे बाजार और गणेश बाजार में ये लोग बार बार दुकानें खोल रहे थे, उनकी सिविल ड्रेस में फोर्स को भेजकर वीडियोग्राफी करवाई गई और नायब तहसीलदार नरवर द्वारा करीब 9 दुकानों को सील किया गया है और इन पर शीघ्र जुर्माना किया जाएगा। प्रकरण दर्ज करके 9 दुकानें सील की हैं, जिसमें एक ट्रेलर की दुकान है, कुछ दुकानें रेडीमेड कपड़ों की हैं और कुछ दुकानें किराने की। और हम लोग पहले से अपील करते आ रहे हैं सभी लोगों से कि इस समय वायरस का फैलाव ज़्यादा है, आप लोग सुरक्षा रखिए। लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उनसे हमने आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि कृपया जो वायरस का फैलाव है, अस्पताल कम पड़ने शुरू हो गए हैं, सिलेंडर कम पड़ने शुरू हो गए हैं, ये स्थितियां अभी मुख्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, बड़े बड़े शहरों में हैं, ये स्थितियाँ कस्बों में निर्मित ना हो जाए। अगर ऐसी स्थिति हुई तो नरवर बहुत घनत्व ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की जगह है और इसमें यदि कोई बीमारी फैली तो उसका असर बहुत तेज़ी से होगा और एक विस्फोट होगा। बार बार कोरोना विस्फोट को रोकने की हम अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपील कर रहा है, पुलिस अपील कर रही है, फिर भी लोग नहीं मान रहे, तो नियम के साथ वैधानिक कार्रवाई हम लोगों को करना पड़ा। हमने 9 दुकानें सील की हैं, 3 प्रकरण 188 के भी कायम किए हैं पहले और निरंतर चालानी कार्रवाई करते रहेंगे। आज से हमने सील भी कर दिया मार्केट को, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग, जिससे कोई नियम से ही लोग अपना सामान वगैरह डोर टू डोर भेज सकें, निरर्थक लोग बाजार में ना घूमें, इसके लिए हमने आज पॉइंट्स भी लगा दिए हैं और सख्ती से कार्रवाई पुलिस करेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। मैडम, जो आज चालानी कार्रवाई की गई है, आज आपने कितने दुकानदारों पर चालान किया गया है, वो सील की गई है? आज प्रशासन के द्वारा पुलिस, राजस्व और नगर पालिका के अमले के साथ हमने करीबन 9 दुकानें सील की हैं, जिनमें कि चूड़ी की दुकानें, टेलर की दुकानें और भी कई जो दुकानें प्रतिबंधित है अभी 144 के आदेश के अनुसार, उसकी सीलिंग की कार्रवाई हमने की है। मैडम, जी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, 10 से 50 से ज़्यादा भीड़ दुकानों में घुसी हुई है, ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई रहेगी? जैसे कि आज हमने पूरा भ्रमण करके दुकान सीलिंग की कार्रवाई की है, उसी प्रकार पहले भी हमने 3 FIR भी कर चुके हैं इसके लिए और लगातार पुलिस प्रशासन, राजस्व, नगर पालिका के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, पुलिस फोर्स तैनात है, बैरिकेडिंग भी की जा रही है, यही सब कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। तो आशा है कि आगे और भी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी।